हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरु पावर पे। और इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी, जिसका यूज़ करके हम लोग HTML एलिमेंट पे एनिमेशन डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे एनिमेशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो हम लोग पिछले एपिसोड में देखे थे, इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपको वो बिल्कुल जरूर हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं जो भी सिखाता हूँ वो उसमें क्या थोड़ा लिमिट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उस लिमिट में नहीं रहना है। और जो मैं शेयर करता हूँ, लाइक मैंने ये जो वेबसाइट शेयर किया है, वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, तो आपको रिसर्च करना है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको एग्जांपल मिलेंगे और थोड़े एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप आपके वेबसाइट को और एनिमेशन कूल और बाकी सारे फीचर भी आप एक्स्ट्रा सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको एपिसोड 1 से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डायरेक्टली CSS सीखना है तो उसकी CSS की भी अलग प्लेलिस्ट है, तो आपको एपिसोड नंबर 23 से आप CSS सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी। इट इज़ यूज टू ऐड सम एनिमेशन ऑन HTML एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टी है, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, टाइम, फंक्शन, डिले, इटरेशन काउंट, डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो है इटरेशन काउंट, जो हम लोग को काफ़ी हेल्प करती है एनिमेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रांजिशन के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं की फ्रेम प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, विजुअल कोड स्टार्ट कर लो और फाइल का नाम दे दो और .html लिखना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी कोड मैं आपको सिखाऊंगा उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था ट्रांजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 38, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रांजिशन देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले अभी एनिमेशन प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ हेडर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, सेव करते हैं। और इसके अंदर मैं फ़िलहाल एक क्लास लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं नाम पास कर देता हूँ फ़िलहाल हेडर 1, और फिर और एक मैं हेडर ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे हेडर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग सेव करते हैं, राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने कुछ भी CSS अप्लाई नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो ट्रांजिशन अप्लाई किया था वो मैं अभी आपको पहले दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अप्लाई एनिमेशन प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो फ्रेंड, अभी कुछ इस तरीके से है फ़िलहाल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मुझे एनिमेशन करना है उसका नाम यहाँ पर देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मुझे क्या करना है, तो कलर प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर एनिमेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरीके से अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो जिसके ऊपर हम लोग को एनिमेशन करना है तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, तो माउस जो हॉवर इवेंट है उसके अंदर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी हम लोग को चेंज करना है, तो उसकी वैल्यू चेंज करके क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ फिलहाल डार्क ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पे विथ हाइट और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जैसे ही माउस लेके जाएंगे ड्यू के ऊपर, तो विथ और हाइट दोनों चेंज हो रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, तो अभी उस पर टेस्टिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे
हम लोगों ने देखा था कि बटन के अंदर विद प्रॉपर्टी काम नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो आपको टेस्टिंग करके सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल हम लोग अभी देख लेते हैं ट्रांजिशन फिर से। तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि CSS अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने कुछ छोड़ दिया है। तो अगर हम लोग क्लास यूज़ करते हैं तो क्लास को कैसे यूज़ करना है, यूजिंग डॉट, फिर उसके बाद क्लास का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसके जो हाइट और विथ है वो मैं निकाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल। तो वो थोड़ा पूरा पेज फिल होके आएगा, तो वो कैसे दिखेगा, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन के अंदर मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तभी एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कलर चेंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी माउस लेके जाता हूँ तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लू हो गया। अभी मैं माउस निकाल देता हूँ तो फिर से वायलेट हो जाएगा, फिर से वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम लोग माउस लेके जाते हैं तब भी उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे कई सारे सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम लोग को जो एनिमेशन है वो हम लोग को कंटिन्यू पेज पे रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये कलर चेंज होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग माउस लेके गए तभी वो एनिमेट होना चाहिए। तो फ्रेंड इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं CSS की एनिमेशन प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं ट्रांजिशन को, और इसको कॉपी पेस्ट करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे हेडर 2। और जो हेडर 2 है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो एनिमेशन करने वाले हैं वो यूजिंग एनिमेशन प्रॉपर्टी। तो अभी मैं इसको फिलहाल ट्रांजिशन को निकाल देता हूँ, और इसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ एनिमेशन नेम। तो फ्रेंड ये एनिमेशन नेम के अंदर आप कुछ भी आईडी या फिर नाम आप दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो। तो मैं फ़िलहाल दे देता हूँ कलर चेंज उसका नाम, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना है, तो इसके साथ ही आपको यूज़ करना है उसका ड्यूरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब कितने कितने स्पीड से एनिमेशन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन के अंदर देखा था ड्यूरेशन, मतलब हर 2 सेकंड में एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो दो दो सेकंड में वो एनिमेट होना चालू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से इसके अंदर भी है प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, तो अभी इसके अंदर अभी देख लो हम लोग क्या करते थे, होवर के अंदर जो इफेक्ट लाना हो वो हम लोग इसके अंदर लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। किसके अंदर, तो जो CSS पीस वीडियो क्लास है उसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो की फ्रेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो जो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई भी इफेक्ट डालो, अभी फ़िलहाल हम लोग कलर चेंज करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कलर चेंज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, वो कोई इवेंट से हम लोग को बाइंड नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे पहली बात तो इवेंट यूज़ ही नहीं करेंगे, तो उस केस में हम लोग अभी यूज़ करेंगे की फ्रेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको नाम दे देना है जो नाम आपने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो, और फ्रेंड इसके अंदर आपको दो वैल्यू देना है, फ्रॉम और टू। मतलब क्या करेगा वो, सिंपल इस कलर से एनिमेशन स्टार्ट होगा और वो ये कलर तक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे फिर से ब्लू, डार्क ब्लू लिख देता हूँ। तो फ्रेंड ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो एनिमेशन का नाम दूंगा मैं, तो जैसे ही वेब पेज मेरा ब्राउज़र ये लाइन को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, तो देखेगा कि ये जो एनिमेशन है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो कलर यहाँ से सेट हो रहा है ब्लू वायलेट, और उसको एनिमेट करते जाना है कहाँ तक, तो डार्क ब्लू कलर तक, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अभी क्या होगा, तो एनिमेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, तो एनिमेशन अभी फ़िलहाल एक ही टाइम हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग को एनिमेशन कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनिमेशन इटरेशन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आपको वैल्यू
पास करना है इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको वैल्यू पास करना है इनफाइनाइट, तो ही एनिमेशन आपका कंटिन्यूस चलेगा, नहीं तो वो एक ही बार एनिमेट होगा। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा माउस अभी नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो ऑटोमेटिकली एनिमेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको एनिमेशन करना हो तो एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या होता है, तो लिमिटेशंस है जिसके अंदर हम लोग को हर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है पहली बात तो, और हम लोग को उसको कोई इवेंट के अंदर हम लोग को उसको स्पेसिफाई करना होता है तभी वो रन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो एनिमेशन। इसके अंदर हम लोग को पहली बात तो इवेंट नहीं डालनी पड़ती, वो हम लोग एकदम फ्रीली की फ्रेम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है उसकी विथ, तो आप विथ यहाँ पे पास कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी उसकी जो विथ है वो स्टार्ट होगी 100 पिक्सल से, और कब तक चेंज होगी, जब तक वो विथ पहुँच नहीं जाती। मैं फ़िलहाल अभी सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी विथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना है आप यहाँ पे वन बाय वन लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जितनी चाहे उतनी आप यहाँ पे एनिमेशन के अंदर लिख सकते हो। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कलर भी चेंज हो रहा है और उसकी विथ भी चेंज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हमारा काम अभी काफ़ी ईजी हो जाता है यूजिंग एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन। तो यहाँ पे सिंपल आपको नाम देना है, ड्यूरेशन देना है, उसका इटरेशन देना है, इनफाइनाइट मतलब वो एनिमेशन चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे जो एनिमेशन का नाम दिया है वही एनिमेशन का नाम यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको सिखा देता हूँ, मतलब और एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, जिसके अंदर ड्यू के अंदर मैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल लिख देता हूँ ड्यू, उसकी हाइट होगी 100 पिक्सल, उसकी विड्थ होगी 100 पिक्सल, और उसकी बॉर्डर हम लोग दे देते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड कलर ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से बॉक्स आ रहा है। ठीक है, अभी मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, तो वो थोड़ा अंदर आ जाएगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये बॉक्स को घुमाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कंटिन्यूसली घूमना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एनिमेट ड्यू, आपको जो भी नाम रखना हो रख सकते हो। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है फ्रेंड्स, 2 सेकंड, मैं एक्चुअली 3 सेकंड दे देता हूँ, तो थोड़ा धीमे धीमे घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो उसको क्या करेगा, कंटिन्यूसली रखेगा, तो इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी आपको क्या करना है, तो की फ्रेम आइडेंटिफायर, मतलब की फ्रेम के बाद वो क्या करना है, तो जो एनिमेशन का नाम है वो नाम यहाँ पे आपको पास करना है। सेव कर दो। और अभी आपको क्या करना है, तो फ्रॉम से स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और इसके अंदर रोटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोटेशन पहले होगा 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रखना है आपको 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा वो, और घूमेगा कब तक, तो 360 डिग्री तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो, तो वो घूमता ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप CSS एनिमेशन डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ लाइनर। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो वो कंटिन्यूसली एकदम स्ट्रेट घूम रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
इस तरीके से आप उसका जो एनिमेशन का जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी लाइनर निकाल देता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हो वो रोटेट होगा और थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोटेट होगा और थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर से रोटेट होगा फास्ट फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये एनिमेशन नहीं चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन उसके अंदर वैल्यू पास कर दो, लाइनर सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो अभी क्या होगा, वो स्मूथली घूमेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको एनिमेशन का जो बिहेवियर है वो चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांजिशन भी काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट वो कब काम आता है, जब हम लोग को एनिमेशन करना हो माउस के इवेंट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग बटन क्लिक करते हैं माउस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूसली आपको एनिमेट करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जिसके अंदर हम लोग फ्रॉम और टू। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी दो चीज़ पास की है, लेकिन हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कैसे, तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 50% तक जब तक एनिमेशन जाता है तब तक उसका कलर होगा येलो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो, सेव करते हैं, और 50% से 100% का जो टाइम है तब उसका कलर चेंज होगा ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे परसेंटेज के अंदर छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जैसे डिवाइड करना है आप यहाँ पे पूरा का पूरा लाइन आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो परसेंटेज के अंदर ही होना चाहिए, और आप 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाना है उसको, 100 तक। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो वायलेट, येल्लो और ब्लू। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों कलर यहाँ पे अभी आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप अगर आपको जो प्रॉपर्टी है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपको एनिमेट करना है तो आप कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, एनिमेशन प्रॉपर्टी, एनिमेशन का नाम नाम दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका ड्यूरेशन लिखना मत भूलना, और उसको जो प्रॉपर्टी है वो उसको जो एनिमेशन है उसको आपको कंटिन्यू रखना है, तो इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना है आपको यहाँ पे सिंपली उसकी वैल्यू आपको सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपको अभी इफेक्ट दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करना है, आपको इन सब प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको एनिमेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्या करना है, तो मैंने जो वेबसाइट इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल शेयर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आपको CSS एनिमेशन, ठीक है फ्रेंड्स, CSS ट्रांजिशन, ये सब का पार्ट आपको खास करके मिल ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्या करना है, तो आपको सीखना है गूगल करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल अभी मैंने आपको सब कुछ आइडिया दे ही दिया। ठीक है फ्रेंड्स, CSS कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सिंपल गूगल कर सकते हो कि CSS एनिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिखो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे CSS ट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट ओपन करो और इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर ये एग्जांपल दिखा रहा है कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी वेबसाइट जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको वो चीज़ें देखना है, कोडिंग देखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट के एपिसोड में क्या करने वाले हैं, तो एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हम लोग अभी HTML और CSS सीख रहे हैं, तो मेरा आइडिया ऐसा है कि आगे अगर आपको कहीं जॉब लेना हो, ठीक है फ्रेंड्स, एज अ वेब डिज़ाइनर, तो आपको कुछ दिखाना तो पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अभी क्या करना है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यूजिंग HTML और CSS। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप आपका काम दिखाओगे तो
तो ही आपको कोई जॉब पे रखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, तो आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जरूर जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छे से वेबसाइट नहीं बना पाओगे, तो आपको जॉब ऑब्वियसली कोई नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको आपका वर्क दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्क दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसको हम लोग ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सर्वर पे डालेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे आइडिया है जहाँ पे हम लोग फ्रीली आपका कोड आप सर्वर पे रख सकते हो, और सिंपली एक लिंक किसी से भी शेयर करो, तो वो लिंक अगर आप ब्राउज़र में मोबाइल में डालो या फिर आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में डालो, तो वो आपने जो भी कोड किया होगा उसका आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हम लोग आगे सीखने वाले हैं, लेकिन आपको अभी क्या करना है, तो अभी हम लोगों ने जितने भी CSS प्रॉपर्टी और HTML सीखा है उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग के लिए, तो ज़रूर ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।